नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का। केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाला। 3 घंटे का एग्जाम होगा। मैक्सिमम मार्क 40 नंबर है। सेक्शन ए 5 नंबर, सेक्शन बी 12.5 और सेक्शन सी 22.5 नंबर का रहने वाला है। और देखते हैं किसमें किस प्रकार क्वेश्चन दिए गए। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन, एल्किल एलाइड व एरिल एलाइड से क्या तात्पर्य, उदाहरण देकर समझाना होगा। CCl4 अध्रुवीय होता है जबकि CH3Cl ध्रुवीय होता है, समझाना होगा। एल्कोहल के लिए ल्यूकास परीक्षण क्या है। एथिलीन ग्लाइकॉन व ग्लिसरॉल का IUPAC नाम लिखना होगा। जिसल विधि द्वारा किसका परिमाप किया जाता है। विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं। एसिटाल्डाइड की अपेक्षा एसीटोन की क्रियाशील कम क्यों होती है। बेंजोइन संघनन क्या है, अभिक्रिया लिखना होगा। छदम कार्बोनिल समूह को क्या तात्पर्य है। टार्टिक अम्ल का संरचनात्मक सूत्र में IUPAC नाम लिखे। उसके बाद में खंड बैग के अंदर 2 नंबर की सुना, एल्किल एलाइडों में SN1 क्रियाविधि को ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख की सहायता से समझाना होगा। उसके बाद में अथवा के अंदर भी इसमें पूछा है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन में एल्काइल एलाइड की तुलना में विनाइल हैलाइड और एरिल हैलाइड कम प्रतिक्रियाशील क्यों होते हैं, समझाना होगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, फिनेकोलोन पुनर्विन्यास की क्रियाविधि को समझाना होगा। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया, एथेनॉल की एस्टीकरण की क्रियाविधि के बारे में समझाइए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, सिस टू ब्यूटीन व ट्रांस टू ब्यूटीन से किस प्रकार के ऑक्सीजन यौगिक बनाए जा सकते हैं, समीकरण देखकर समझाना होगा। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया, ईथर का स्वतः ऑक्सीकरण क्या है, समीकरण देखकर समझाना होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 1,3-diethylene के उपयोग द्वारा एसीटाल्डाइड को एसीटोन में किस प्रकार परिवर्तित करने वाला है। अथवा के अंदर इसमें पूछा गया, परकिन अभिक्रिया की क्रियाविधि से ही समझाना होगा। 6 नंबर आता है, हेल वोल्हार्ड जेलिस की अभिक्रिया क्या है, इसकी क्रियाविधि लिखना होगा। यूरिया पर उष्मा का प्रभाव समझाना होगा। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर क्लोरोफॉर्म को ब्लीचिंग पाउडर से बनाने की विधि के बारे में समझाइए, इसकी एसीटोन से अभिक्रिया को भी लिखना होगा। 8 नंबर आता है, ग्लिसरॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में समझाना होगा। 9 नंबर आता है, एपॉक्साइड क्विलेक्स के खुलने की त्रिविम रसायन अभिविन्यास की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, इसके अंदर जो पार्ट है और दूसरा पार्ट दो पूछे, इसमें निम्नलिखित नाम अभिक्रियाओं की पहचान कर पूर्ण लिखना होगा, इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि भी लिखना होगा, तो शुष्क की तरह होगा, इसको पूरी करना होगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, अमल व्युत्पन्नों में अंत परिवर्तन की अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देकर उदाहरण से ही समझाना होगा। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, MGS यूनिवर्सिटीज़ का पेपर है, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।